नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी कटिंग करके देखा है, हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम इसको स्टिच करके देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको किस तरीके से इसकी सिलाई करेंगे देखते हैं। सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमारे ये प्लेट्स हैं इसको हम बना लेंगे। तो जो ब्लाउज के नीचे वाला प्लेट्स है इसको हम एक इंच के लगभग डालते हैं। तो इस तरीके से एक इंच के लगभग प्लेट्स है जो यहाँ से हम सिलाई करते हुए यहाँ पे लाके ख़त्म कर देंगे। तो हमारा ये प्लेट्स हमने बना लिया है। इसी तरह इस प्लेट्स को भी हम बना लेंगे। ये भी एक इंच के लगभग बनाना होता है। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई करते करते यहाँ पे लाके ख़त्म कर देंगे। यहाँ का प्लेट्स बनाने के बाद यहाँ पे हम तीन तीन पॉइंट के लगभग कपड़ा लेंगे। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। पहले फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमारा तीन पॉइंट के लगभग ही कपड़ा अंदर जाना चाहिए सिलाई में। तो इस तरीके से पहले निशान लगा लीजिए। तो निशान लगाने से एक अंदाज़ा रहेगा कि कितना कपड़ा अंदर सिलाई करके छोड़ना है हमको। तीन पॉइंट के लगभग प्लेट्स हम इधर भी बना लेंगे। इस तरीके से हमने चारों प्लेट्स को बना लिए हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी प्लेट्स को बना लेंगे। जो हमारा ये प्लेट्स है दूसरा वाला भाग, उसमें हम प्लेट्स बना लेंगे। हमने दोनों भाग में प्लेट्स बना लिए हैं। अब हम जो इसका पीछे वाला पार्ट है उसमें प्लेट्स डालेंगे। तो यह हमारा पीछे वाला पार्ट है, इसमें भी हमारा एक इंच के लगभग प्लेट्स पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करके यहाँ तक हमने निशान लगाया है, यहाँ से सिलाई करते हुए लाके यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। इसी तरह दूसरे प्लेट्स को भी बना लेंगे। बैक पार्ट में हमने प्लेट्स को बना लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में हुक और आई वाली पट्टी लगाएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो जिसमें आई बनता है, जिसमें हम काज बनाते हैं, मतलब सुई धागे से, तो वो पट्टी जो हमारी वो चौड़ी रहती है। तो पट्टी तीन इंच के लगभग रखिए आप, और एक पट्टी थोड़ी पतली रहती है। तो जो दूसरी पट्टी होती है वो दो इंच से थोड़ा सा कम है। तो एक पट्टी हमारी चौड़ी रहती है, एक पट्टी पतली रहती है। जिसमें आई बनाते हैं उस साइड हम चौड़ी पट्टी लगाते हैं।
तो दोस्तों बाएं साइड में हम आई बनाते हैं, तो बाएं साइड में हम चौड़ी पट्टी लगाएंगे। तो जैसे कि पट्टी आप देख रहे हैं कि मैंने ये सीधा वाला साइड है और इस पट्टी को लेके इसके ऊपर की साइड से लगा दिया है। अब हमें क्या करना है कि इस पट्टी को इस साइड करना है, यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको हम काट के निकाल देंगे। और इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ जो सिलाई का धागा दिख रहा है, सिलाई का निशान दिख रहा है, उसी के बराबर में इसको रखते हुए यहाँ तक लाके हमें पूरी सिलाई कर लेनी है। एक बार सिलाई करने के बाद इसके साइड में एक सिलाई और लगा देनी है। तो हमने आई वाली पट्टी लगा ली है। अब हम दूसरे साइड में जिस साइड हमारा हुक लगेगा उस वाली पट्टी को दूसरे पार्ट में लगा लेंगे। हुक वाली पट्टी दाएं साइड लगती है, तो हुक वाली पट्टी जो होती है ये पतली पट्टी होती है, इसको जब हम सिलाई करेंगे, सिलाई करने के बाद ये पूरा अंदर की साइड ऐसे फोल्ड हो जाता है, सिलाई करने के बाद ये पूरा अंदर चला जाएगा। तो हम इस पट्टी को एकदम पतली रखते हैं। दोस्तों इसको आप डबल पट्टी भी लगा सकते हैं, मतलब इस तरीके से इसको डबल करिए। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो इसको डबल डबल फोल्ड में लगाइए, अंदर की साइड मज़बूत रहेगा ये। जैसे अगर आप इसमें हुक लगाएंगे तो ये कपड़ा जल्दी फटेगा नहीं। तो हुक वाली पट्टी लगाते समय थोड़ा सा कपड़ा हमें आगे की साइड छोड़ना होगा, ताकि जब भी यहाँ गले की गोलाई है, ताकि जब भी इसको अंदर की साइड जब फोल्ड करें कपड़ा कम ना रहे और ये गोलाई में एकदम कट जाए पट्टी। इस तरीके से इसको सीधे के साइड से ही इस पट्टी को सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद इस जो पट्टी है हुक वाली, इसको पलट देना है और नीचे वाला जो कपड़ा सिलाई वाला है, अंदर जो सिलाई करने के बाद कपड़ा है, इसको इस साइड रखना है और इस कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड करके यहाँ से पूरी सिलाई करते हुए यहाँ पे ख़त्म कर देना है। तो इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको काट के निकाल देंगे। इस तरीके से कट किया और जो हमारी पट्टी है उसको हम एक सिलाई यहाँ से बड़ा धागा करके लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद सीधे के साइड से इसको अंदर, मतलब उल्टे के साइड में इस पट्टी को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके इसको यहाँ से सिलाई करते इस पट्टी के लास्ट तक हमें सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ हमने पट्टी को अंदर फोल्ड कर लिया है। एक्स्ट्रा जो पट्टी दिख रही है इसको हमें काट के निकाल देना है। दोस्तों हमने दोनों साइड हुक और आई की पट्टी हमने बैठा लिया है, तो इसको बराबर करके देख लेंगे। यहाँ पे दोनों पट्टी एकदम बराबर रहे। पट्टी बैठाने के बाद अब हम दोनों फ्रंट वाला पार्ट और बैक पार्ट के कंधे को जॉइंट कर देंगे। Thank you.
हमने कंधे को ज्वाइंट कर लिया है। कंधे को ज्वाइंट करने के बाद अब हम बाजू को की सिलाई करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि बाजू के में कपड़े नीचे के साइड कम पड़ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से जोड़ के बनाना है दोस्तों, मैं उसको इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए बाजू बनाना शुरू करते हैं। तो बाजू बनाने के लिए ये कपड़ा हमारा है, इसमें हमें और कपड़ा सिल के लगाना होगा नीचे की साइड। तो दोस्तों जो हमें बाजू में कपड़ा ज्वाइंट करना था उसे हमने कट कर लिया है। वो पूरे 3.5 इंच के कपड़े हैं, दो टुकड़ा हमें काटना है और इसकी लंबाई 5 इंच, 5.5 इंच के लगभग है। तो हमारा दोनों हाथ के स्लीव हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम एक साइड में रख के सिलाई कर देंगे। तो दोस्तों हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया है। तो जैसे ये अभी कट नहीं हुआ था कपड़ा, तो सेम इसी तरह जैसे हमने इस साइड से सिलाई करके इस साइड पलटा है, उसी तरह दूसरे वाले पार्ट में हम इस तरीके से सिलाई करके इस साइड निकालेंगे। मतलब इस साइड हमने सिलाई किया इस तरीके से, और सेम इसको भी अंदर के साइड ही रख के हम इसी तरीके से सिलाई कर देंगे। तो दोस्तों हमने दोनों साइड इस कपड़े को हमने जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद हमें क्या करना है कि इसको इसी तरीके से हमें डबल रखना है, यहाँ से फोल्ड कर देना है इसको। फोल्ड करने के बाद ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से हमें इसकी लंबाई देखनी है। तो जितनी लंबाई है उतनी हम पूरी रख लेते हैं। उतनी लंबाई रखने के बाद इसको हम तिरछा कर देंगे। इस तरीके से हम तिरछा कर लेंगे। अब यहाँ से हल्का सा गुलाई देते हुए लाके इस साइड हम मिला देंगे। सिंपल दोस्तों, बस सिंपल बाजू की कटिंग करने में बस कुछ करना नहीं है हमें। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम एक लकीर खींच लेंगे, 1.5 या 2 इंच के लगभग हम यहाँ कम कर देते हैं ऊपर की साइड से। और एक लकीर खींचने के बाद इस साइड से हम गुलाई दे देंगे। गुलाई देने के बाद यहाँ से हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगा के और एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए यहाँ से भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो हल्का सा हमें यहाँ से कट लगा देना है शेप का। तो हमने इस तरीके से कट लगा लिया है। यहाँ पे हमें जो डबल बाजू का एकदम बीच का साइड है वहाँ पे कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद यहाँ पे हमें 1 इंच का शेप देना है। तो हम इस तरीके से 1 इंच का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमने 1 इंच का शेप दे दिया है यहाँ पे। तो हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। स्लीव की कटिंग करने के बाद दोस्तों जैसे जो हमारा ये बॉर्डर निकला हुआ है तो इसको हमें आधा आधा कर लेना है। कट करने के बाद इसको बाजू के आगे वाले साइड हमें इस तरीके से रखना है। बॉर्डर को हमें देख लेना है उल्टा सीधा साइड, सीधे साइड हमारा ऊपर के साइड आना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है सिलाई करते समय।
तो इस तरीके से फोल्ड करके इसको पहले आगे की साइड हम थोड़ा सा फोल्ड रखेंगे। फोल्ड करते हुए हमें उल्टे की साइड से इस पट्टी को बैठाते हुए यहाँ तक सिलाई करके ले आना है। इस तरीके से पट्टी बैठाने के बाद जो हमारा ये बॉर्डर छोड़ के हमारा बाजू का कपड़ा है उसको इस साइड में हमें करते हुए सिलाई कर लेनी है। इसको अंदर के साइड हमें रखना है और बॉर्डर के ऊपर हमें सिलाई नहीं चलानी है। तो जो बाजू वाला कपड़ा है उसी पे हमें सिलाई चलानी है। तो इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है। सिलाई करने के बाद इसको अंदर के साइड ही ऐसे फोल्ड करके रखना है और यहाँ से हमें सिलाई करते यहाँ तक ले आनी है। तो इस तरीके से जो हमारा किनारा है उसको भी हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो हमने इस तरह से बॉर्डर को स्लीव के ऊपर बैठा दिया है। इसी तरह हमें दूसरा जो स्लीव है हमारा दूसरे हाथ का स्लीव है उसमें भी बॉर्डर को लगा के सिलाई कर लेनी है। तो दोस्तों हमने दोनों बाजू की कटिंग भी कर ली है और दोनों साइड में हमने बॉर्डर को बैठा लिया है। बाजू की कटिंग करते समय अगर जैसे कपड़ा कम पड़ जाए तो दोस्तों हमें इस तरीके से हमें बाजू में ज्वाइंट करना होता है कि वो पीछे की साइड आए। और जैसे अगर दोस्तों जैसे साड़ी का हम बाजू की कटिंग कर रहे हैं जैसे उसमें ऊपर के साइड मोती लगा हो तो ऐसे में हमें दोनों साइड में जोड़ लगाना होता है। जैसे मैंने ये सिंपल ब्लाउज है जैसे इसमें कोई डिज़ाइन तो है नहीं तो इस तरीके से हमने इसमें पीछे के साइड में ही जोड़ लगाया है। इस तरीके से सिलाई किया है कि पीछे की साइड ही आया है। और अगर डिज़ाइन वाला कपड़ा है उसमें मोती वोती लगा है और जैसे एक साइड में नीचे की साइड में कपड़ा कम पड़ रहा है तो हमें दोनों साइड में जोड़ लगाना होता है आगे वाले पार्ट में भी और पीछे वाले, ताकि जब भी उसको सिलाई किया जाए तो जो जोड़ वाला भाग है वो नीचे की साइड जाए, वो सिलाई के में अंदर चला जाए। तो जब भी आप डिज़ाइन वाला बनाएं या सिंपल ब्लाउज बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें। अब हम ब्लाउज में स्लीव को ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से स्लीव को रख के देख लेना है। इसमें सेप की कटिंग आगे की साइड ही आ रही है तो हमें जब भी हम बाजू को ज्वाइंट करें तो हम इसको ध्यान रखें कि ये कटिंग वाला पार्ट हमारा इसी भाग में आके जुड़े। तो इस तरीके से इस कट को और ये जो कंधे का जोड़ है इसे हमें मिला लेना है। मिला के इस तरीके से हमें मिलाते हुए यहाँ तक ले आना है। यहाँ तक हमने बाजू को ले आया। अब यहाँ से हमें सिलाई करते हुए ये जो जोड़ है यहाँ तक लाना है और जो एकदम किनारे वाला साइड है इस तरफ का यहाँ पे हमें लाके मिला देना है। तो हमें तीन तीन पॉइंट छोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है।
तो इस तरीके से हमने बाजू को ज्वाइंट कर लिया है। जब भी सिलाई करें तो इसमें 3 पॉइंट से ज़्यादा कपड़ा हमारा अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जो स्लीव का शेप होता है वो बिगड़ जाता है। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरे बाजू को भी ज्वाइंट कर लेना है। स्लीव ज्वाइंट करने के बाद बैक साइड को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। हमें बड़ा टाका कर लेना है क्योंकि हमें पीछे की साइड में और आगे की साइड में नीचे की तरफ तुरपाई करनी होती है। तो हम जब बड़ा धागा करके इसको सिलाई करेंगे तो उसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद तोड़ देंगे। पीछे की साइड हमने फोल्ड कर लिया है और अगर आपको फ्रंट वाले पार्ट में कपड़ा कम लग रहा हो तो इस तरीके से जोड़ लगा लीजिए। अब यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा के यहाँ से ले करके यहाँ तक हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड भी सिलाई कर लेंगे फिटिंग का निशान लगा करके। तो साइड में सिलाई करने के बाद इसको हम अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे। तुरपाई वाले पार्ट को हम अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे। इसी तरह हम इस साइड भी सिलाई कर लेंगे। फोल्ड करते समय हमें देखना है कि दोनों पट्टी मतलब हुक और आई की पट्टी दोनों बराबर होनी चाहिए। दोनों में से कोई घटा बढ़ा लगे तो उसे एक बराबर कर देना है। तो इस तरीके से बराबर कर लेना है। नीचे की साइड हमने सिलाई कर ली है और साइड में हमने दोनों साइड में हमने सिलाई कर ली है। अब हम गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए हम और ए बी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। और ए बी पट्टी इस तरीके से सीधा है, इसको हम थोड़ा खींचता है, इस तरीके से खींचो तो ये पट्टी खींच जाती है। तो इस तरीके से हमें तिरछे में और ए बी पट्टी निकाल लेना है। और ये भी पट्टी निकालने के बाद इसको इस तरीके से बराबर कर लेना है एकदम सीधा। अब इसको जैसे हमें सीधा रखना है एकदम,
तो इस तरीके से जो तिरछा तिरछा वाला पार्ट है इसको इसी तरीके से रखना है और इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हमें सारी पट्टियों को जोड़ लेना है। तो इस तरीके से हमने और भी पट्टी को जोड़ लिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है और यहाँ से गले का जो एकदम आगे वाला साइड है यहाँ से हम इसको खींच खींच के बैठाते हुए पूरे गले की सिलाई कर लेंगे। गले की पट्टी बैठाने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो दिख रहा है इसको हमें कट करके निकाल देना है। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दिया है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हमें पूरे गले की पट्टी पे सिलाई लगा देनी है। जो हमारा अंदर सिला हुआ कपड़ा था, जो मतलब अंदर की साइड हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा सिलाई के लिए सिलाई मार्जिन कपड़ा है, उसको हमें ऊपर की साइड रखना है। अब गले की पट्टी को अंदर की साइड इस तरह फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद बड़ा टाका करके हमें पूरे गले पर सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद जब हम तुरपाई और काज बटन करेंगे, हुक और आई बनाएंगे, उसी समय हमें इस पर तुरपाई कर लेना है और जो बड़ा धागा हम इस पर चलाए रहेंगे उसे हमें तोड़कर निकाल देना है। इसी तरह पूरे गले पे हमें सिलाई कर लेनी है। तो हमने गला भी बना लिया है, हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है स्टिच होकर। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।